सदा जनम माँ परम फल हेतु रुगो माते संगो कवि कर्मणि। प्रेम बहुत सुंदर बहुत कोमल भावना है। प्रेम जीवन में रंग भरता है, जीवन को प्रेरणा देता है, बल देता है, शक्ति देता है। परंतु प्रेम त्याग चाहता है, अर्पण चाहता है। अपने प्रेम के लिए जो त्याग कर सकता है, अपने आप को जो प्रेमिका को अर्पित कर सकता है, वही सच्चा प्रेमी है। यदि प्रेम पाने के लिए कोई अपनी राजसत्ता या बल का प्रयोग करे, तो फिर वो कितने ही सच्चे प्रेम का दावा करे, उसके प्रेम के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। प्रहलाद जैसे उदार और सज्जन व्यक्ति का पुत्र ऐसा कार्य करे तो देखकर और भी दुख होता है। युवराज विरोचन ने दीपावली को उसकी कुटिया से ले जाकर अपने पिता प्रहलाद को एक बड़ी कठोर परीक्षा में डाल दिया है। देखना यह है कि पुत्र की इस करतूत से प्रहलाद पर क्या बीतती है। ऐसा मत कहो पौत्र, यदि मेरे होते हुए मेरे लाडले पौत्र को दुख हुआ तो ये मैं सहन नहीं कर सकती। मैं अपने पुत्र प्रहलाद को तुम्हारे पक्ष में निर्णय देने के लिए विवश कर दूंगी। समझ लो दीपावली तुम्हारी हो गई। ये आप कैसे कह सकती हैं दादीश्री? मैंने उसे पिता प्रेम के लिए तड़पते देखा है, मैंने उसे अपने पिता से प्रेम की भिक्षा मांगते हुए देखा है। भला ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र को अपने प्यार से वंचित कैसे रख सकता है? आपका तर्क मेरी समझ में आता है दादीश्री, किंतु पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा पुत्र, विश्वास करो। माताश्री, जब राजमाता ने कहा है कि निर्णय तुम्हारे पक्ष में होगा तो निर्णय तुम्हारे ही पक्ष में होगा पुत्र। मैंने जब सारी कहानी सुनी थी तो मुझे बहुत चिंता हो गई, परंतु अब राजमाता की बात सुनकर मेरी वो चिंता दूर हो गई। महाराज राजमाता से बहुत प्रेम करते हैं, वे उनकी बात कदापि नहीं टाल सकते। मैंने महाराज के रोम रोम से प्रसन्नता झलकते हुए देखी थी जब तुम युवराज बने थे पुत्र, और जब राजमाता ने तुम्हारा पक्ष ले लिया है तो महाराज को तुम्हारा पक्ष लेना ही होगा पुत्र। आपकी ये बात सुनकर माताश्री मैं संतुष्ट हो गया और दादीश्री से बात करके मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। प्रणाम दादीश्री।
आयुष्मान भव पौत्र। प्रणाम माताश्री। सुखी रहो मेरे लाल। अपने लाडले पौत्र के मुख पर चिंता की लकीरें देखकर मैं तड़प उठी थी पुत्र वधु। पिताश्री ये भी लीजिए ना। कौन है? पिताश्री मैं देखती हूँ। कौन है? कौन है? कौन था पुत्री? पता नहीं पिताश्री। सुना है मेरे पिताश्री तुमसे मिलने आए थे। तुमने सत्य सुना है मित्र, तुम्हारे पिताश्री मुझसे मिलने आए थे। क्यों? मुझसे यह पूछने के लिए कि दीपावली को तुम्हारे अथवा मेरे लिए चुनने के लिए उन्हें अपना न्यायाधीश बनना मुझे स्वीकार है या नहीं। तो तुमने क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मुझे उनका न्यायाधीश बनना स्वीकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति हो रही है ऋषि पुत्र। क्यों? क्योंकि ऐसा करके मानो तुमने आत्महत्या कर ली हो। अर्थात? अर्थात तुम नहीं जानते मेरे पिताश्री अपने मन में मेरे प्रति कितना स्नेह रखते हैं। वो मेरे विरुद्ध कदापि निर्णय नहीं देंगे। माते आप? प्रणाम माते। आयुष्मान भव पुत्र। आपने क्यों कष्ट किया माते? कोई कार्य था तो मुझे बुलवा लिया होता। मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूं पुत्र। आप मेरे प्राण मांग लीजिए माते। मेरा जीवन तो आपके प्रेम का दिया हुआ दान है। आपके लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी मैं यही समझूंगा कि मेरा पुत्र धर्म अभी पूरा नहीं हुआ। ईश्वर ना करे मैं अपने प्रिय पुत्र से उसके प्राण मांगू। परंतु मैं तुमसे जो मांगने आई हूं वह तो तुम्हें देना ही पड़ेगा पुत्र। मैं तुमसे तुम्हारे प्राण प्रिय के लिए कुछ मांगने आई हूं। आदेश दीजिए माते, क्या चाहती हैं आप? अपने पौत्र के मन का सुख और उसके प्रेम की रक्षा। अर्थात? अर्थात यही कि मेरा पौत्र विरोचन ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली के प्रेम में उतावला हो रहा है। यदि उसे दीपावली ना मिली तो उसका सुख छीन जाएगा। और सुधन्वा, वो भी तो किसी का पुत्र है ना माते।
गया। मेरा पुत्र एक बार फिर विकट समस्या में उलझ गया। कौन उलझ गया महादेवी? मेरा प्रहलाद, और कौन। जब वो बालक था तो समस्याएं उसके सामने एक एक करके आती थी, किंतु अब कई समस्याएं, कई प्रश्न उसके समक्ष नाक के समान फन फैलाए खड़े हैं। न्याय की समस्या, व्यवस्था की समस्या, मर्यादा की समस्या, किस किस की सुनेगा वो। महादेवी, आपका पुत्र एक राजा है और इसीलिए वो ब्रह्मा जी की तरह चार मुखों वाला या मेरी तरह चार भुजाओं वाला नहीं है। उसे तो सब कुछ अकेले ही करना पड़ता है। मुझे तो लगता है कि आपका पुत्र प्रहलाद इस समस्या को भी सरलता से सुलझा लेगा। नहीं कमलनयन, लगता है उसके प्रति आपका स्नेह कुछ कम हो गया है। हे पद्मनाभ, आप वो नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ। कन्या दीपावली, उसके पिता और तो और अंगिरा पुत्र सुदन्वा ने भी उसके समक्ष श्रेष्ठता का चुनाव करने की चुनौती रखती है, किंतु योग्यता का आधार क्या होगा। विरोचन पुत्र प्रहलाद को अत्यंत प्रिय है, राजमाता कयाधु का भी वो लाड़ला है। एक ओर स्नेह संबंधों की बेड़ियां तो दूसरी ओर न्याय की मांग। महादेवी, यदि आप पुत्र प्रहलाद की कोई सहायता करना चाहती हैं तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। यही तो समस्या है कमल नयन, श्रेष्ठता के चुनाव में एक ओर राजमहल का वैभव है तो दूसरी ओर आश्रम की पावनता, एक ओर बल है तो दूसरी ओर साधना, एक ओर समस्त सुविधाएं हैं तो दूसरी ओर अपार शांति, एक ओर अधिकार ही अधिकार है तो दूसरी ओर समर्पण ही समर्पण। आप अभी तक सोई नहीं महाराज ना? मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। आपकी आंखों से मुझे कोई प्रश्न झांकता दिखाई दे रहा है। हाँ स्वामी, आप चाहें तो इसे प्रश्न भी कह सकते हैं, परंतु मेरे लिए एक प्रश्न से अधिक प्रार्थना है। आज सभी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं स्वामी। स्वामी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ऋषिवत्स की पुत्री दीपावली के भविष्य के विषय में क्या सोचा है। परंतु मुझे तो समस्त प्रजा के बारे में सोचना पड़ता है, मैं अपनी प्रजा का संरक्षक हूं। स्वामी, दीप पहले अपने घर में जलाया जाता है फिर किसी और के। हाँ, परंतु मार्ग पर दिए जलाना भी एक राजा का ही कर्तव्य है। मैं कुछ नहीं जानती स्वामी। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मैं अपने पुत्र का सुख मांग रही हूं। कृपा कीजिए मुझ पर स्वामी, कृपा करके उसे उसकी दीपावली दे दीजिए। देवी, आप मुझसे उसका सुख मांग रही हैं जिसका दुख स्वयं मेरे लिए असहनीय है। वो मेरा भी पुत्र है देवी। तो फिर संकोच किस बात का है स्वामी। संकोच एक पिता नहीं कर रहा है देवी, संकोच एक न्यायाधीश कर रहा है। मुझे स्वयं दीपावली बहुत प्यारी लगती है। ऐसी प्यारी पुत्रवधू पाने के लिए कौन पिता उत्सुक न होगा। प्रेम मुझे एक ओर खींच रहा है और न्याय मुझे दूसरी ओर, और मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं पुत्र विरोचन का दुख नहीं देख सकता। उसकी आवश्यकता भी नहीं है स्वामी। दीपावली को पुत्र विरोचन के लिए चुनकर आप कोई अन्याय नहीं करेंगे। पुत्र विरोचन ने दीपावली के मन में भी तो घर कर लिया है।
मुझे सोचने दीजिए देवी, मुझे इस उलझन से निकलने का मार्ग ढूंढ लेने दीजिए। अवश्य सोचिए स्वामी, परंतु मैं जानती हूं अपने पिता के प्रेम को तरसा हुआ व्यक्ति अपने पुत्र को कभी नहीं तरसा सकता। बात है महादेवी, किसी गहरी चिंता में लीन हैं आप? हाँ कमल नयन, मैं सोच रही थी कि न्यायाधीश का कार्य उस समय कितना कठिन हो जाता है जब उसके ही परिवार का कोई सदस्य आरोपी के रूप में उसके सामने हो। आपकी चिंता स्वाभाविक है, परंतु यही तो वो घड़ी भी होती है महादेवी जब ये पता चलता है कि न्यायाधीश की न्याय और न्याय प्रणाली पर कितनी आस्था और अटूट विश्वास है। वो न्याय को जीवन और सभ्यता का एक अटूट अंग मानता है या फिर आए दिन होने वाली साधारण घटना? वो कुछ भी माने कमल नयन, किंतु जिस स्थिति में मेरा पुत्र प्रहलाद है उसमें कोई भी हो उसका असमंजस में पड़ जाना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि किसी व्यक्ति के न्यायाधीश बनने के लिए उसके दो रूप होने चाहिए। दो रूप? ये क्या कह रहे हैं आप कमल नयन? दो रूप रखना तो किसी भी व्यक्ति का अवगुण है। वो व्यक्ति ही क्या जो भीतर से कुछ हो और बाहर से कुछ और दिखाई दे। आपकी बात सर्वथा सत्य है महादेवी, सर्वथा सत्य है, परंतु जीवन की कुछ स्थितियों में इस अवगुण को अपनाना भी अनिवार्य होता है और एक न्यायाधीश के लिए तो अत्यंत अनिवार्य। आप तो पहेलियां बुझाने लगे कमल नयन। कोई पहेली नहीं है महादेवी, न्यायाधीश के न्याय के आसन पर बैठने से पहले और न्यायासन पर बैठने के उपरांत दो रूप होने आवश्यक है। न्याय के आसन पर बैठने के पहले वो व्यक्ति किसी का पिता हो सकता है, किसी का पुत्र हो सकता है, किसी का पति हो सकता है या फिर किसी का भ्राता। परंतु जैसे ही वो न्यायाधीश के आसन पर विराजमान हो जाता है उसके सारे नाते टूट जाने चाहिए, उसे केवल न्यायाधीश रहना चाहिए। और यदि ऐसा ना हुआ महादेवी तो कभी धन के लोभ से या कभी नातों की महत्ता से उसके पांव डगमगाने लगेंगे, न्याय प्रणाली पर भ्रष्टाचार का अधिकार हो जाएगा। धन और नातेदारी तो मायाजाल है महादेवी, भ्रष्टाचार के मुख्य आधार हैं। इस स्थिति में मुझे अपने पुत्र से एक विचित्र प्रकार की सहानुभूति हो रही है, न जाने आगे क्या होने वाला है। महादेवी, जिस प्रकार जुगनू के अस्तित्व का आभास तभी होता है जब चहुओर अंधकार छाया रहता है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति के चरित्र का प्रकाश तभी दिखाई देने लगता है जब वो परीक्षा की घड़ियों में घिरा रहता है। अब देखना यह है कि वो इस परीक्षा के लिए कितना तैयार है।
युवराज निरोचन पधार रहे हैं। विरोचन, अभी आप इस आसन पर नहीं बैठेंगे जब तक ऋषि वत्स की पुत्री दीपावली के विषय में कोई निर्णय नहीं हो जाता। तब तक आप केवल एक पक्ष की श्रेणी रखते हैं, युवराज की नहीं। मुझे आपत्ति है महाराज, मुझे भय है कि आप परंपराओं की अवहेलना कर रहे हैं। परंपरा अनुसार विरोचन का युवराज के रूप में अभिषेक किया जा चुका है, किंतु मैं उस परंपरा को तोड़ चुका हूं। आपकी उपस्थिति में मैं ये कह चुका हूं कि निर्णय हो जाने तक युवराज के समस्त अधिकारों को स्थगित किया जाता है, क्योंकि वो इस अभियोग का एक पक्ष है और यही न्याय की मांग भी है। महाराज, न्याय की मांग यह भी है कि जब तक आरोपी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है, तब तक उसे निर्दोष और निरपराध समझा जाए। शास्त्रों के अनुसार भी जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि युवराज ने वास्तव में कोई अनुचित कार्य अथवा अपराध किया है, तब तक उन्हें युवराज के आसन पर बैठने से रोका नहीं जा सकता। मैं गुरु शुक्राचार्य से सहमत हूं महाराज, शास्त्र भी यही कहते हैं। शास्त्र कुछ भी कहते हो, परंपराएं कुछ भी बोलती हैं। यदि मेरे पिताश्री ने कह दिया कि निर्णय होने तक मैं केवल एक पक्ष हूं, तो मैं केवल एक पक्ष ही हूं। यदि मेरे पिताश्री कहते हैं कि मैं इस आसन पर नहीं बैठ सकता हूं, तो मैं इस आसन पर नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये केवल मेरे पिताश्री ही नहीं, मेरे सम्राट भी हैं। मेरे समक्ष एक जटिल समस्या है। हे महापुरुषों, यद्यपि किसी कन्या के लिए वर का चुनाव केवल उस कन्या का अधिकार है, और ऐसा अधिकार है जिसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता, परंतु ऋषि वत्स और उनकी सुपुत्री दीपावली ने यह कार्य मुझे सौंप दिया है, क्योंकि दीपावली यह निर्णय नहीं कर पा रही है कि वो अपने वर के रूप में किसको चुने। पुत्र विरोचन, ऋषि पुत्र सुधन्वा, मैं जो भी निर्णय करूं आपको स्वीकार होगा? संपूर्णतः अक्षरशः निःसंकोच महाराज। यह जानते हुए भी कि विरोचन मेरा पुत्र है? यह तो मैं तब भी जानता था महाराज, जब मैंने आपका न्यायाधीश बनना स्वीकार किया था। और तुम्हें राजकुमार विरोचन, क्या तुम्हें भी मेरा निर्णय स्वीकार होगा? मेरे लिए अपने पिताश्री के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द ब्रह्म वाक्य के समान है। आपका दिया हुआ निर्णय मेरे लिए आदेश होगा, और आपका आदेश मेरे सिर आंखों पर। धन्यवाद सुधन्वा, धन्यवाद पुत्र। हे उपस्थित सभासदों, प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानने के लिए श्रेष्ठता की कसौटी क्या है, विशेषतः ऐसे में जब एक पक्ष राजकुमार हो और दूसरा एक ऋषि पुत्र। मेरा अनुभव, मेरा अध्ययन यह कहता है कि ऋषि ही श्रेष्ठतम है,
क्योंकि ऋषि राज की लालसा सत्ता के लोभ और धन की इच्छा से मुक्त होता है। जो एक व्यक्ति के लिए यदि असंभव नहीं तो सरल भी नहीं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं महाराज। क्यों गुरुदेव? इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, अवश्य बड़ी बात है, परंतु उससे भी बड़ी बात इच्छाओं के बोझ के साथ जीवन पथ पर चलना और इस प्रकार चलना कि पांव डगमगाने ना पाए, उससे भी बड़ी बात है। राज मुकुट को ठुकरा देना यदि श्रेष्ठता है तो ये जानते हुए कि राज मुकुट में कांटे भी होते हैं उसे पहन लेना भी तो श्रेष्ठता का चिन्ह है। राजा होना भी तपस्वी होने से कम नहीं होता। राजा जब केवल अपना ना होकर सारी प्रजा का हो जाता है तो वो किसी ऋषि से कम महान नहीं रह जाता। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण महाराज स्वयं आप हैं। सारा संसार जानता है कि आपने प्रजा के लिए अपने आप को त्याग दिया और मैंने युवराज विरोचन को यही शिक्षा दी है। यदि श्रेष्ठता की कसौटी यही है तो मेरा शिष्य इस कसौटी पर खड़ा उतरता है। मैंने आपका तर्क मान लिया कुलगुरु, परंतु यह ना भूलिए कि विरोचन दीपावली को उसकी कुटिया से ले आया था। मुझे इस पर भी आपत्ति है महाराज। क्यों? क्या यह सत्य नहीं है? किंतु अधूरा सत्य है। पूरा सत्य यह है कि युवराज विरोचन पुत्री दीपावली को ले नहीं आए थे, पुत्री दीपावली उनके साथ आ गई थी और युवराज ने बल का प्रयोग नहीं किया था। बल का प्रयोग केवल शारीरिक रूप में नहीं होता गुरुदेव, मानसिक रूप में भी होता है। विरोचन का युवराज होना, दीपावली का यह जान लेना कि विरोचन युवराज है, पर्याप्त था कि वो उसका कहा मान ले। यह एक ऐसे बल, एक ऐसी शक्ति का प्रयोग है गुरुदेव जो दिखाई नहीं देती। यही कारण था कि जब विरोचन ने दीपावली को अपने साथ चलने के लिए कहा तो वो सर झुकाकर चल पड़ी। यदि ऐसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया गया तो आने वाले युगों में राज परिवार के सदस्य इसे उदाहरण बना लेंगे और ऐसी घटनाओं का दुष्चक्र चल पड़ेगा जिसके कारण बहू और बेटियां स्वयं को असुरक्षित समझने लगेंगी। विरोचन ने यह कार्य करके अपनी महत्ता को घटा दिया है। हेरिये महाराज, युवराज विरोचन ने पुत्री दीपावली से साथ चलने को कहा और वो उनके साथ आ गई। इसका क्या प्रमाण है? यदि ऋषि पुत्र सुधन्वा भी उनसे साथ चलने को कहते तो वो उनके साथ ना जाती, परंतु सुधन्वा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, इसलिए युवराज की महत्ता घटने का प्रश्न ही नहीं उठता। चलिए कुलगुरु, मैंने आपका यह तर्क भी मान लिया, फिर भी एक ऐसी बात दिखाई देती है जो विरोचन को साधारण और सुधन्वा को श्रेष्ठ सिद्ध करती है। दीपावली विरोचन और सुधन्वा दोनों को भा गई थी और विरोचन उसे अपने साथ ले आए। कोई साधारण व्यक्ति भी ऐसा ही करता कि जो उसके मन को भा जाए उसे अपने साथ ले जाए। मुझे फिर भी आपत्ति है महाराज। दीपावली स्वेच्छा से युवराज के संग आई थी। तब तो सुधन्वा के श्रेष्ठ होने का एक और प्रमाण मिल गया। आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने के अनुसार यदि दीपावली स्वेच्छा से विरोचन के साथ चली आई थी तो कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके चरित्र पर संदेह भी कर सकता था। किसी कन्या के चरित्र पर संदेह करना
उस पर लांछन लगा देना, उस पर किसी प्रकार का आरोप लगा देना उसका भविष्य और जीवन नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता था, परंतु जब मैं सुधन्वा से मिला तो इस घटना के कारण मैंने उसके माथे पर एक बल भी नहीं देखा। उसके नेत्रों में देवी दीपावली के चरित्र पर संदेह की एक हल्की सी झलक भी नहीं दिखाई दी। नारी के चरित्र पर यह अटल विश्वास, उसकी स्वतंत्रता का यह आदर, उसके अधिकारों के प्रति यह सम्मान ऋषि पुत्र सुधन्वा को युवराज विरोचन से श्रेष्ठतम सिद्ध करता है। इन सब बातों को समक्ष रखते हुए मैं यह निर्णय देता हूं कि ऋषि पुत्री दीपावली का जीवन संगी बनने का वास्तविक अधिकारी युवराज विरोचन नहीं, ऋषि पुत्र सुधन्वा है। बधाई हो मित्र, बधाई हो। हे न्यायप्रिय महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि मैंने अपने युवराज होने के अधिकारों का अनुचित लाभ उठाया। इसीलिए मैं अपनी इच्छा से युवराज पद त्यागने की घोषणा करता हूं। देवी, धन्य है आपका पुत्र प्रहलाद, धन्य है। आज सारे संसार के साथ साथ मुझे भी उस पर गर्व हो रहा है। और क्यों न हो, जब कोई संतान किसी बड़ी परीक्षा में पूर्ण अंकों से उत्तीर्ण होती है तो माता पिता की प्रसन्नता देखने योग्य होती है महादेवी। हाँ पद्मनाभ, आज प्रहलाद ने जो कर दिखाया उससे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। उसने ये सिद्ध कर दिया कि राजधर्म के समक्ष पितृधर्म, पुत्र धर्म और पति धर्म कुछ महत्व नहीं रखता। न्याय के आसन पर बैठकर राजा केवल न्यायाधीश ही होता है। हाँ महादेवी, आज यदि प्रह्लाद ने अपने पुत्र विरोचन के पक्ष में निर्णय दे दिया होता तब भी कोई उस पर अविश्वास नहीं करता, सभी उसे स्वीकार कर लेते। परंतु हमारे पुत्र प्रह्लाद ने आज लोगों के उस विश्वास की रक्षा की है जो राजा बनाते समय लोगों ने उस पर किया था। उसने लोगों के विश्वास को टूटने नहीं दिया महादेवी। इस उपलक्ष्य पर मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ। तो हम दोनों को चलना चाहिए, चलें। पुत्र। प्रभु। आयुष्मान भव। हे गरुड़ध्वज, हे माता राजराजेश्वरी, आप दोनों यहां, यह मेरा सौभाग्य नहीं तो और क्या है। हम तुम्हें तुम्हारे निर्णय पर बधाई देने आए हैं। माते, मेरे किस निर्णय पर प्रसन्न होकर आप दोनों मुझे दर्शन देने यहां हैं? पुत्र प्रह्लाद, तुमने जो निर्णय किया वो कोई साधारण कार्य नहीं था पुत्र। हे प्रभु, मैंने तो केवल आपके बनाए गए नियमों का पालन किया है। निस्संदेह पुत्र, निस्संदेह। परंतु फिर भी वो कार्य इतना सरल नहीं था। शालीनता का पूर्ण पालन करने के उपरांत भी तुमने अपने ही पुत्र विरोचन को सुधन्वा से अधिक श्रेष्ठ नहीं ठहराया। दोनों की श्रेष्ठता में बहुत सूक्ष्म रेखा थी पुत्र। ऋषि पुत्र के पास तपोबल था जिसका प्रयोग उसने नहीं किया, परंतु तुम्हारा राजपुत्र विरोचन राजबल का प्रयोग कर बैठा।
हे प्रह्लाद, ये निर्णय करने में तुम्हें अपनी ही माता कयाधु की सारी स्नेह सरिता को भूलना पड़ा होगा, महारानी धृति की सारी याचनाओं को ठुकराना पड़ा होगा, अपने ही पिता होने की भावना को कुचलना पड़ा होगा। हे पद्मनाभ, यही तो राजा का धर्म है। अवश्य पुत्र, अवश्य। अब तक तुम केवल एक भक्त थे, अब धर्मात्मा भी बन गए। ये सारा संसार तुम्हें एक महामानव के रूप में स्मरण करेगा। मांगो पुत्र, मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। बस अब और क्या इच्छा होगी। नदी अपनी यात्रा समाप्त कर सागर तक आ पहुंची है और आप उसे वापस मोड़ना चाहते हैं। हां प्रभु, अब तो केवल ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए। मैं अपने इन समस्त उत्तरदायित्वों से मुक्त होना चाहता हूं प्रभु। अब तो केवल आपके रूप का, आपके नाम का स्मरण करना चाहता हूं। तथास्तु। परंतु पुत्र, एक निर्णय जो तुमने किया है, मैं चाहता हूं कि तुम उस निर्णय को वापस ले लो। विरोचन को अपने अधिकारों से वंचित मत करो पुत्र, उसका राज्याभिषेक कर दो। अपनी प्रजा के प्रति तुम्हारा यह अंतिम उत्तरदायित्व है, उसका निर्वाह करो और तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। माता, अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। कन्या किसको प्राप्त हो जब यह उठा विवाद, राजधर्म की राह से डिगा नहीं प्रह्लाद। पुत्र मोह को त्याग कर रखा न्याय का मान, सब समान जिसके लिए राजा वही महान, राजा वही महान। जो सुने पथ पे चल सुझाने